हेलो यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाले हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा उस प्रोडक्ट के बारे में और बहुत देखा भी होगा। मोस्टली इंटरनेशनल क्रिकेटर्स वो प्रोडक्ट अपनी नेट प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं रोबो आर्म बॉल थ्रोवर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रोबो आर्म बॉल थ्रोवर है। आप देख सकते हो जिस तरीके से इसमें एक यहाँ पे रिस्ट पोजीशन बनी हुई है और ये इसका एक कप है। इस कप में आपको बॉल को फिक्स करना है पूरे तरीके से और ये एक स्क्रू की मदद से आप इसमें लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेंथ एडजस्टमेंट है कि आपको लेंथ कैसे रखनी है, आप मूवमेंट रख सकते हैं। अगर आपको फुल लेंथ बॉल खेलनी है तो इस रोबो आर्म की पोजीशन कुछ यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, आप यहाँ पे 8, 9, 7 रख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट पिच बॉल खेलनी है तो आपको इसको थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा और इस स्क्रू की मदद से आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको लगाना। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने इसको 3 नंबर पे सेट कर दिया है जो कि शॉर्ट पिच बॉलिंग के लिए है। इस रोबो आर्म की मदद से आप अपने बच्चों को, आप अपने दोस्तों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की बॉलिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको बता दूं कि इस रोबो आर्म से आप 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डाल सकते हैं। डिपेंड करता है थ्रोअर के आर्म के ऊपर। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके प्राइस के तो बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है। आपको ये 1000 से 1200 के बीच मिल जाएगा अमेजोन पे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। और इंडियन टीम दोस्तों इसी रोबो आर्म से प्रैक्टिस करती है। और अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक बात का खास ध्यान रखें कि इसे क्लोज नेट में, ग्राउंड में ही यूज़ करें, क्योंकि आपके लिए एक नया प्रोडक्ट होगा तो चांसेस हैं कि आप बॉल थ्रो करेंगे इस रोबो आर्म से तो कहीं इधर उधर गिर सकती है। तो कोशिश करें इसे क्लोज नेट के थ्रू करें और पहले कोशिश करें कि खाली नेट में बॉल डालने की कोशिश करें इससे। अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा मैं, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपने दोस्त की मदद करी थी नेट प्रैक्टिस में इस रोबो आर्म के थ्रू। स्टे ट्यून्ड। फिक्स दिस बॉल इन द कप। यही करी जा रहे हो भाई।